सो हेलो एवरी वन, दिस इज़ एलीज़र फिनहस एंड यू आर वॉचिंग एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर जोलॉजी का टारगेट पेपर जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए है फॉर ऑल द सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर जोलॉजी का टारगेट पेपर डिस्कस होगा। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी या आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैंने टारगेट पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी पुरानी जिसमें हम बहुत से सब्जेक्ट्स से पहले ही हम काफ़ी सारे टारगेट पेपर्स कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ से आप सारे जो हैं टारगेट पेपर्स हैं उनका बाकायदा रिव्यू कर सकते हैं और वहाँ के वो भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए आज अपने फर्स्ट ईयर जोलॉजी के टारगेट पेपर का आगाज़ करेंगे जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक्स आ गई हैं तो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग है, और फर्स्ट ईयर के बच्चे बड़े वो थे, परेशान थे कि हमारी जो न्यू बुक आ गई टारगेट पेपर कैसे बनेगा। तो टारगेट पेपर आपके सामने है, अब आपका काम क्या है, आपका काम है बस याद करना। और एक और बात बताता चलूँ कि ये जो टारगेट पेपर है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बना है, और अगर आप जितने भी मैं सवाल रखे हैं इन टारगेट पेपर्स में, तो अगर आप ये टारगेट पेपर याद कर लेंगे तो आपका 90% बल्कि नहीं 95% आपका पेपर हो जाएगा। मैं 95% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो 100 में से 95% तो आप इस टारगेट पेपर से आराम से मार्क्स ले सकते हैं, आप मुझ पर मुकम्मल रिलाई कर सकते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि जो आपका फाइनल पेपर होगा वो इसी टारगेट पेपर में से आएगा, या इसी ये जितने मैंने सवालात रखे हैं यही सवालात पेपर में आएंगे। तो आप बस ये टारगेट पेपर ही कर जाएंगे तो आपके 95% आराम से मार्क्स आ जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। और जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप आराम से अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आए आप बढ़ते हैं अपने टारगेट पेपर की जानेब। तो डिफरेंसेस, सबसे पहले डिफरेंसेस रखे हैं। डिफरेंस बिटवीन का जो आता है ना वो लाजमी, तकरीबन एक सवाल तो शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, और डिफरेंसेस बिटवीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं अगर आपने नंबर्स हासिल करने हैं ज़्यादा इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो पेयर डिफरेंस बिटवीन, ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ। DNA एंड RNA, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, रेटिटे एंड कैरिनेटे, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम, कॉन्ड्रियोक्थाइस एंड ऑस्टिक्थाइस, ट्यूब लाइक एंड सैक लाइक डाइजेशन, एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा, एंजाइम एक्टिवेटर एंड एंजाइम इनहिबिटर, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, लंग्स ऑफ ह्यूमन एंड लंग्स ऑफ बर्ड्स, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, मोनोजेनिक एंड डायजेनिक पैरासाइट्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। अच्छा, ये EPO नहीं है, ये APO है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये एपो एंजाइम है, APO एंजाइम, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग एंड फ्लाइंग बर्ड्स। तो ये पूरी लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन की, तो ये सारे डिफरेंसेस बिटवीन आपने याद कर लेने हैं अपनी सेफ साइड पर रहने के लिए, ताकि आप आराम से जो है पेपर आसानी के साथ अटैम्प्ट कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखें बहुत से बच्चे होते हैं वो कभी किसी का टारगेट पेपर कभी किसी का टारगेट पेपर कर रहे होते हैं याद, तो इससे क्या होता है, इसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी सी पक जाती है, और जब फाइनल पेपर आता है तो आप कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो पेपर होता है फाइनल पेपर जिसके लिए आप साल पूरी मेहनत करते हैं, तो वो आपका बिल्कुल एक ब्लंडर हो जाता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर के गेस्ट पेपर्स को देखने की। देखिए मैं इसको इसलिए मैं टारगेट पेपर लिखता हूँ, मैंने कभी गेस्ट पेपर नहीं लिखा। गेस्ट पेपर क्या होता है, तुक्का, गेस्ट का मतलब होता है तुक्का। तो ये मेरा गेस्ट नहीं है, ये आपका टारगेट है जो कि आपने अचीव करना है। तो इधर उधर के गेस्ट पेपर्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
टारगेट पेपर ये वाला आप कर लेंगे तो आपके आसानी से 95% मार्क्स आ जाएंगे, विच इज़ माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। खैर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जाने बातें हैं, हमने डिफरेंसेस बिटवीन सारे देख लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं? फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड डिजीजेस, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन स्पंज। आए दूसरे पेज की जाने बढ़ते हैं। एक सेकंड, मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। डेंटल डिजीजेज इन ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स विद एग्जांपल, इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स, लिम्फेटिक सिस्टम जो कि हमारे अंदर का सारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो करना है, जिसमें लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो डिटेल में समझ लेंगे। अच्छा मुझे याद आया, अगर आप चाहते हैं कि इसके आंसर्स भी आपको चाहिए पूरे टारगेट पेपर के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके जितने भी आंसर्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। खैर फ्लाइंग एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, पैरासाइटिक एडेप्टेशंस इन फ्लैटवर्म एंड प्लैटीहेल्मिंथस। तो ये बड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपने याद कर लेने हैं। तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो अभी तक हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिफरेंसेस बिटवीन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया, अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब पे, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले रखा है अडेप्टिव एंड इनेट इम्यून सिस्टम, ये जितने भी हैं मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सवाल आते हैं ख्वाब वो शॉर्ट हों, लॉन्ग हों, डेफिनेशंस हों, डिफरेंसेस बिटवीन डायग्राम्स वगैरह, तो वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो जो टारगेट पेपर में रखे हैं। अडेप्टिव एंड इनेट इम्यून सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर एंड गैड्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, एंजाइम्स विद देयर टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, अगर स्किप करेंगे तो ये फिर आपकी गलती होगी, फिर अगर आपके कम आए तो इट विल बी योर मिस्टेक। आपने क्या है, आपने टारगेट पेपर का कोई भी सवाल स्किप नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, या अगर आप चाहते हैं कि हम पास ही हो जाएं फिर आप करते रहें स्किप, कोई मसला ही नहीं है। वो जो होते हैं ना कुछ बच्चे बोलते हैं यार हम पास ही हो जाएं तो बहुत है, तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड कार्डियक साइकिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आई एम 100% श्योर कि इस साल लाजमी आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के तकरीबन टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। और सेकंड लास्ट जो है डाइजेशन इन मैन और ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो हैं वो 6 जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लॉन्ग में रखे हैं। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 6 ही सवाल रखे हैं सर ने, मुझे पता काफ़ी सारे लोगों के दिमागों में ये बात आई होगी, लेकिन अभी देखो अभी होता क्या है, अभी हमारा टारगेट पेपर ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने हमारे डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल किए, अभी ख़त्म नहीं हुआ टारगेट पेपर, अभी डेफिनेशंस भरी पड़ी हुई हैं। डेफिनेशंस की जानिब आ जाओ भाई, ये देखो मैं अपना एक सेकंड, ये हाँ ये मैंने सेट कर लिया कैमरा, अब देखो डेफिनेशंस भरी पड़ी हुई हैं और आगे भी बहुत सारी हेडिंग्स हैं, अभी आप आगे के चल के देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशंस आ जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं हमेशा, हर साल डेफिनेशंस के सवाल आते हैं, तो इस पोर्शन को कभी भी आपने स्किप मत करना, कभी भी स्किप नहीं करना, वरना फिर आप फाइनल पेपर में पछताएंगे। खैर डेफिनेशंस की जाने पढ़ते हैं, डेफिनेशंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन, लिपिड्स, प्रोटोस्टोम, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक्डिसिस, डाइजेशन, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, हीमोसील, सिलोम, प्लेक। प्लेक जो होता है वो एक डेंटल डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे दांतों के ऊपर है उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है,
तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसका एक शॉर्ट नॉट किस्म का आता है तो वो आपको याद करना होगा। बाकी आपने तो इसकी डेफिनेशन ना प्लेक होता क्या है तो वो मैंने कुछ लफ्ज़ों में बता दिया, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप ये देख लीजिएगा। बाकी एम्फाइजीमा, साइनोसिस, पैरासाइटिज़म, रेस्पायरेशन, इम्यूनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज़म, तो ये जो एक लिस्ट थी पूरी डेफिनेशंस की, अगर आप ये सारी याद कर लेते हैं तो डेफिनेशंस मैं आपको बताता चलूँ कि डेफिनेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हर साल आता है 5 मार्क्स का सवाल। तो अगर आप ये जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये भी 5 मार्क्स का आसानी के साथ हल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी, ठीक है। और अब शॉर्ट नोट्स की जाने पड़ते हैं, यही वजह है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अभी आपको दिखाता हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सिर्फ और सिर्फ जो मैंने 6 सवाल रखे हैं ना, उसका यही वजह है कि जो लॉन्ग पोर्शन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन, उसमें हमेशा शॉर्ट नोट्स भी आते हैं तो और डायग्राम्स भी आती हैं। तो डायग्राम्स वाला मैंने अलग पोर्शन बनाया है, शॉर्ट नोट्स वाला अलग बनाया है, तो इससे आपकी एक एक जो है एक एक चीज़ है वो 100% कवर हो जाएगी। तो अपने शॉर्ट नोट्स जाने पड़ते हैं, जिसमें लंग्स कैंसर, ल्यूकीमिया, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की ग्रेजुअली कमी होती है जो कि बोन मैरो का एक कैंसर होता है ल्यूकीमिया। अगर कोई WWE फॉलो करता है तो पता होगा कि रोमन रेंग्स एक रेसलर है तो उसको भी ल्यूकीमिया हुआ था। खैर, अस्थमा, एंटीबायोटिक्स, चार ये हो गए आपके शॉर्ट नोट्स, प्रोटीन्स, थैलेसीमिया, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, RBCs, CMI एंड सिमेट्री। तो ये टोटल 10 शॉर्ट नोट्स थे, तो कोई से 3 आते हैं इन योर फाइनल एग्जाम्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कोई से 3 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको कोई एक करना होता है। तो अगर आप ये सारे जो शॉर्ट नोट्स मैंने गिवन आपको दिए हैं, तो अगर जितने भी आप ये शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग का एक सवाल है वो 100% हो जाएगा, और जो 6 मैंने आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए तो उससे भी आसानी के साथ आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और एक और वजह ये बताता चलूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सिर्फ ओनली 6 क्यों रखे हैं, क्योंकि याद रहे कि ये जो जूलॉजी का पेपर होता है ये तकरीबन 40 से 45 मार्क्स का पेपर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में एक ही सवाल अटैम्प्ट करना होता है। तो अगर आप 6 सवाल याद कर जाते हैं और सारे शॉर्ट नोट्स भी याद कर लेते हैं तो आपका जो एक सवाल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में तो वो इजीली हो जाएगा, इसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करैक्टरिस्टिक्स के पोर्शन में बढ़ते हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो पूछी जाती हैं मुख्तलिफ किंगडम्स की, तो वो क्लासेस की, तो वो है इकाइनोडर्मेटा, मैमेलिया, आर्थ्रोपोडा, सार्कोडीना, प्रोटोजोआ, मोलस्का, कॉर्डेटा एंड एनालिडा। तो ये 8 करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये अगर आप याद कर लेते हैं ये भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। और देन अगेन जो हमारा लास्ट पार्ट है वो डायग्राम्स का है, क्योंकि लेबल डायग्राम्स भी आती हैं, और याद रहे कि आपको जो भी डायग्राम बोला हो, अगर पेपर में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपने लेबल लाजमी करना है, एक एक पार्ट को लेबल नहीं करते तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो डायग्राम का जो हिस्सा है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आता है, ठीक है। अब ये 3 हिस्सों में बट गया ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अलग आपको 6 करवाए, ठीक है, फिर आपको शॉर्ट नोट्स करवाए जो कि 10 हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी कवर होंगे, और अब डायग्राम्स का पोर्शन आ जाता है तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ही आते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो डायग्राम्स की जाने बढ़ते हैं, तो डायग्राम्स में ह्यूमन हार्ट आ जाता है, हर एक को लेबल लाजमी करना है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। फिर डॉग फिश आर्टीरियल ब्लड सप्लाई सिस्टम, LS ऑफ हाइड्रा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, सी हॉर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश। तो ये हमारी डायग्राम्स थी। तो अब जाकर हमारा जो है पूरा टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर जूलॉजी फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ 2023 ऑफ सिंध बोर्ड, तो अब जाके ये हमारा ख़त्म हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारे सवालात डिस्कस किए। तो अगर आप ये जितने भी सवालात मैंने आपको समझाए, हमने बहुत सारे हिस्सों में इसको तोड़ के हमने टारगेट पेपर बनाया है, जैसे फर्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर शॉर्ट नोट्स, करैक्टरिस्टिक्स, डायग्राम्स,
तो डेफिनेशंस भी थी। तो अगर आप ये सारे सवाल याद कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है 100% आप पूरा पेपर करके आएंगे और विदाउट एनी कन्फ्यूजन करके आएंगे। और आप मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इधर उधर के गेस पेपर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका ही होगा। फिर ये ऐसे ना खिचड़ी पक जाती है दिमाग में कि यहाँ से भी कर लो वहाँ से भी याद कर लो, तो ये फजूल काम है। बस आप ये टारगेट पेपर को करें और मुकम्मल रिलाई करें और 100% आपका पेपर हो जाएगा। तो अगर आपको आप चाहते हैं कि MCQs इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो जूलॉजी के फर्स्ट ईयर के, तो MCQs की भी पूरी जैसे टारगेट पेपर्स की जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद पूरी चैनल पर इसके फर्स्ट ईयर जूलॉजी बॉटनी और भी दीगर सब्जेक्ट्स के MCQs की सीरीज़ चैप्टर वाइज जो के होंगे पूरी सीरीज स्टार्ट होगी जो के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जो हर एक हमारा लेक्चर है और आने वाले जो दीगर टारगेट पेपर्स हैं उसका भी आपको जल्द से जल्द जो है वो लिंक जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीजर एजुकेशनल अकेडमी। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट टारगेट पेपर में।